इस वीडियो में आपको बहुत सारी स्लिप डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने बनाई है, और इन सब का वीडियो मैंने अपलोड किया है अपने YouTube चैनल पर। तो आप ये डिज़ाइनें देख सकते हैं और ये डिज़ाइनें ट्राई कर सकते हैं। ये डिज़ाइन है जो कि नीचे यहाँ पर लूप लगे हुए हैं और यहाँ पर बटन लगे हुए हैं और यहाँ पर हमारी एक एक प्लेट आ रही है। तो पहनने के बाद इसका लुक जो है काफ़ी अच्छा आता है। जी प्लेट, ये जो बटन है हमारे, ये सेंटर में आ जाते हैं और ये जो बॉक्स है हमारा फ्रिल वाला, ये भी सेंटर में आ जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप ये डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं कुर्ती या ब्लाउज़ के लिए। देखिए, एक दूसरी डिज़ाइन है जो कि इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। यहाँ पर ये पल्स लगाएं और फिर ये फ्रिल्स आ रही हैं। यहाँ पर ये सेम कपड़े का ही बॉर्डर आ रहा है और देखेंगे जब हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से है। तो ये काफ़ी अच्छी लगती है पहनने के बाद। देखिए, पूरा ड्राफ्ट इसका कुछ इस तरीके से रहेगा। शोल्डर पर कोई भी फ्रिल नहीं रहेगी, सिर्फ जो ये डिज़ाइन है यहाँ पर हमारी फ्रिल रहती है। और आपने फ़ोटो में अक्सर देखा होगा इस स्लिप डिज़ाइन के बारे में। तो ये डिज़ाइन पहनने के बाद काफ़ी सुंदर लगती है, तो आप ये डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, ये भी एल्बो स्लिप डिज़ाइन है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पर भी इसी तरीके का बॉक्स आ रहा है और यहाँ पे हमारी फ्रिल आ रही है, यहाँ पे ये बटरफ्लाई और बटन्स आ रहा है। तो इसका लुक भी पहनने के बाद काफ़ी अच्छा आएगा। इस तरीके से ये सेंटर में हमारी बटरफ्लाई रहती है और पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। देखिए, ये एक डिज़ाइन है जो कि ये एल्बो में है और यहाँ पर हमारे ये ट्रायंगल और मोती आ रहा है, यहाँ पर बटन्स आ रहा है और ये पूरा पाइपिंग आ रहा है। तो पहनने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। ये शॉर्ट स्लीव है जो कि ये इस तरीके की डोरी से ये हमने डिज़ाइन किया हुआ है और यहाँ पे ये बॉर्डर लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है पहनने के बाद। देखिए, ये डिज़ाइन है, इसमें ट्रायंगल और देखिए ये लुक लगे हुए हैं। यहाँ पे सेम कपड़े का बॉर्डर लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी लगती है पहनने के बाद। देखिए, इसको हम समोसा स्लिप डिज़ाइन बोलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। जो ये फ्रिल है ये इस तरीके से राउंड में आती हैं और जब आप इसको कुर्ती या ब्लाउज में अटैच करते हैं तो ये आगे के पार्ट में आएगा और ये मोहरी में हमारा इस तरीके का वी कटती है। ये भी एल्बो में है, ये लुक और डोरी से हमने बनाई है, ये रिंग बना के डोरी की, तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। ये डिज़ाइन भी एल्बो में है। देखिए, इसमें सिर्फ हमने नीचे मोहरी में ये लुक लगाए हुए हैं और ये यहाँ पे जब पहनते हैं आप तो ये इस तरीके का यहाँ पे ये वी कट आएगा। वी कट के अलावा ये डोरियाँ दिखती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। देखिए, ये डिज़ाइन भी एल्बो में है और ये पूरा यहाँ पर इस तरीके की फ्रिल आती हैं, तो यहाँ पर इस तरीके का ये फूला हुआ पफ बन जाता है और यहाँ पे मोहरी में इस तरीके का ये हमने बॉर्डर लगाया है, बटन्स लगाया है, और जो नीचे मोहरी में जो प्लेट है वो एक ही जगह इकट्ठी हुई है और ऊपर देखेंगे तो फैली हुई है, तो पहनने के बाद काफ़ी अच्छी लगती है। देखिए, ये डिज़ाइन भी एल्बो में है, यहाँ पे मोहरी में भी देखिए इस तरीके का ये बॉर्डर बटन्स आया है, पूरा लेस से हमने डिज़ाइन किया है, तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। देखिए, पूरा इस तरीके से इसका लुक दिखेगा जब आप पहनते हैं, तो इस तरीके का ये यू कट दिखता है हमारे बाजू में और यहाँ पे ये बॉर्डर दिखता है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। देखिए, ये डिज़ाइन भी एल्बो में है, यहाँ से आप देखेंगे इस तरीके का यू शेप आते हुए यहाँ पर इस तरीके से ये फैल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर हमारी ये डोरियाँ लटकती हैं तो बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद, इस तरीके का ये गैप दिखता है। तो देखिए, ये 3/4 में है, ये पूरा ऊपर शोल्डर से ही इस तरीके की ये डोरियाँ आएंगी हमारी जिग जैक होती हुई यहाँ पर लुकों के अंदर, तो पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे पूरा गैप दिखता है और ये जिग जैक की हमारी डिज़ाइन दिखती है। देखिए, ये भी 3/4 है, ये पफ वाली स्लीव है जो कि आजकल ज़्यादा चल रही है। ये शोल्डर पर इस तरीके का पफ आएगा और बाकी का ये पूरा फिटिंग रहता है। देखिए, ये डिज़ाइन जो है ये पूरा पफ डिज़ाइन है, नीचे भी इसमें पफ रहेगा, ऊपर की तरफ भी पफ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके की ये फ्रिल दिखेंगे, लेकिन फ्रिल नहीं है, ये हमने इसमें डोरी डाली है और यहाँ पे ये बॉर्डर लगाया है, तो इसके अंदर से डोरी निकाली है, तो साइज़ के अनुसार इसको टाइट करेंगे तो यहाँ पे ये फ्रिल जैसा लुक आएगा, तो काफ़ी अच्छा लगता है पहनने के बाद। देखिए, ये शॉर्ट स्लीव है, ये कोल्ड शोल्डर है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके की ये डिज़ाइन है, यहाँ पे इस तरीके की फ्रिल आएंगी और ये बॉर्डर और बटन आ रहा है और ये कोल्ड शोल्डर रहेगा यहाँ ऊपर की तरफ, तो ये शॉर्ट स्लीव है, काफ़ी अच्छी लगती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।